Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ शेजवान सॉस। शेजवान सॉस बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैंने इस वीडियो में बहुत क्लियरली वे में बताया है कि आप कैसे अपने घर पर शेजवान सॉस रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें और बाजू में दिए गए रेड बटन को भी क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम ड्राई रेड चिलीज ले ली है। इन्हें मैंने 2 आवर्स के लिए भिगा दिया था पानी में। अगर आप ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आधी मिर्ची की बीजों को निकाल दीजिए और आधी मिर्ची की बीजों को एज इट इज रहने दीजिए। अगर आपको जल्दी शेजवान सॉस बनाना है तो आप इसे 30 मिनट तक भी भिगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें गैस ऑन कर लेना है और सेम पैन में जिसमें हमने मिर्ची को भिगाया था उसमें बॉईल कर लेना है। सॉस में डालने के लिए मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। अदरक को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है बारीक। यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियां ली है 12, इसे भी मैंने अच्छी तरह से बारीक कट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो चिल्लीज हैं वो बॉईल हो रही हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इसे 5 to 6 मिनट अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाए तो हमें फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। दो मिनट के बाद हमें चिल्लीज को निकालना है और जार में डाल देना है। ध्यान रहे आपको जो बॉईल वाटर है उसे फेंकना नहीं है, उसे हम यूज करेंगे इसे पीसने में। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने इसे पीस लिया है मोटा दरदरा। अब हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और सेकंड बार पीसेंगे इसे। हमारा चिल्ली पेस्ट रेडी हो चुका है शेजवान सॉस के लिए। आप इसे देख सकते हैं किस तरह से लग रहा है। अब हमें एक पैन में ऑयल गरम करना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो हमें उसमें लहसुन जो हमने बारीक कट करके रखा हुआ था उसे डाल देना है। ध्यान रहे फ्लेम को लो ही रखें। अगर आप हाई पे इसे भूनेंगे तो ये जल जाएगा और हमारा जो शेजवान सॉस है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब हमें अदरक भी ऐड कर देना है। इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें चिल्ली पेस्ट डाल देना है जो हमने रेडी किया था। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। 2 मिनट तक हमें इसी तरह से इसे चलाते रहना है। अब हम इसमें 1 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा शक्कर और ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आपको अपने हिसाब से नमक ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सोया सॉस को स्किप कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप करके विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सॉस है वो ज्यादा टाइम तक चले तो आप विनेगर डाल दीजिए। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने देना है। आप चाहे तो इसमें सेलरी यानी अजवाइन की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। शेजवान सॉस रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। आप इसे एयर टाइट जार में 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपको इसे फ्रिज में ही रखना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो।